चलिए अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 क्या पूछ रहा है। आउट ऑफ द फॉलोइंग द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस इन एक्वा सॉल्यूशन इज, पहला मिथाइलेमिन, दूसरा डाई मिथाइलेमिन, तीसरा ट्राई मिथाइलेमिन और एनिलीन। क्या आंसर होगा? इसका आंसर होगा डाई मिथाइल एमीन। क्यों होगा? क्योंकि दोनों तरफ से इलेक्ट्रॉन पंपिंग ग्रुप नाइट्रोजन का लोन पेयर को इंक्रीज करता है। देखो बहुत डिटेल में ये बताया गया आपको, मिथाइलेमिन है ठीक है, डाई मिथाइलेमिन है, ट्राई मिथाइलेमिन है और एक एनिलीन है। तो भाई ऐसा है कि एरोमेटिक एमीन्स आर ऑलवेज वीकर बेस देन द एलिफेटिक एमीन्स, बट इन केस ऑफ द एलिफेटिक एमीन्स ये जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है एल्काइल ग्रुप, ये क्या करता है, नंबर इलेक्ट्रॉन पेयर का डेंसिटी को इंक्रीज करता है नाइट्रोजन एटम पे। तो इससे ज्यादा इसका, इसका ज्यादा इसका, इसका होगा ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है, स्टेरिक हिंड्रेंस के कारण एच प्लस इस पर आ नहीं पाता है। तो H प्लस आए भी और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा भी हो, ये सेटिस्फेक्शन आपको डाई मिथाइल एमीन में ही मिलता है, एक्वा सॉल्यूशन में। यही आपको गैसियस फॉर्म में पूछता तो स्ट्रॉन्गेस्ट बेस हो जाता है ये ट्राई मिथाइल एमीन ठीक है। बहुत डिटेल में बताए हैं। 12 नंबर क्वेश्चन में आपको कह रहा है, आइडोफॉर्म टेस्ट इज नॉट गिवन बाय, आपको इथेनॉल है, इथेनॉल है, पेंटेन टू ऑन है, ये देखो ये तीनों का तीनों आपको ये शो करेगा। आइडोफॉर्म टेस्ट बताए हैं जिसमें मिथाइल कीटोन ग्रुप हो या मिथाइल कीटोन ग्रुप बनने का संभावना हो। तो इथेनॉल में संभावना वाला है, इथेनॉल और पेंटेन टू में मिथाइल कीटोन ग्रुप होता है, पेंटेन थ्री ऑन में मिथाइल कीटोन ग्रुप नहीं है, इसलिए ये आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा ठीक है। तो आंसर हो जाएगा डी। 13 नंबर में कह रहा है, आउट ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन एलिमेंट द मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट आर शोन बाय, स्कैंडियम है, क्रोमियम है, मैंगनीज है और आयरन है। तो मैंगनीज जो है Mn का ऑक्सीडेशन नंबर होता है +7, ये मैक्सिमम है ठीक है, बाकी का क्रोमियम का +6 होता है, वो दोनों तो है नहीं। हार्डनिंग ऑफ लेदर इन टैनिंग इंडस्ट्री इज बेस्ड ऑन म्यूचुअल कोएगुलेशन भाई ठीक है, आंसर है सी। और इसका ऑप्शन है इलेक्ट्रोफोरेसिस नहीं होगा, इलेक्ट्रोऑस्मोसिस नहीं होगा, टिंडल इफेक्ट नहीं होगा ठीक, म्यूचुअल कोएगुलेशन। इसके लिए आपको एनसीईआरटी डीपली पढ़ना पड़ता है। व्हाट इज द करेक्ट यूपैक नेम ऑफ द गिवन कंपाउंड, एक नाम आपको स्ट्रक्चर दिया गया है उसका हम लोगों को नाम लिखना है। देखो हम जल्दी में लिखते हैं, इस टाइप का है। तो क्योंकि फंक्शनल ग्रुप हमारा क्या है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, तो यहां से हम लोग चलेंगे 1 2 3 4, 2-2-डाइमिथाइल ब्यूटेन नोइक एसिड, ये आपको आंसर हो जाएगा ए ठीक है, बाकी तो आंसर है नहीं उसका। तो ये था आपका 1 to 15।